मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा ट्रैवल ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं फरीदाबाद के लिए और आज रात को हम स्टे करेंगे अपने चाचा चाची के यहाँ। और यहाँ से फरीदाबाद का वे है 180 किलोमीटर्स। हमें निकले हुए हो चुका है एक घंटा। हमने ब्लॉग स्टार्ट थोड़ा लेट किया और मौसम भी अच्छा है, रास्ता भी ठीक है। और आज मेरा एक एग्जाम है, पहले हम देंगे एग्जाम, उसके बाद जाएंगे रिलेटिव्स के यहाँ। थक गया हूँ तो अब चलाएगी गाड़ी कनू। कनू नर्वस तो नहीं हो आप? मजाक कर रहा हूँ, कनू इज अ गुड ड्राइवर। तो चलते हैं गाइस, अभी टाइम तो बहुत बाकी है, अपना आराम से पहुंच जाए। पहुंच चुके हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे और अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 2.5 घंटे बाकी हैं। तो ये एरिया है, मेट्रो स्टेशन के पास ही है, लेकिन एरिया थोड़ा इंडस्ट्रियल टाइप है। लंच दही पराठे, लंच कर लेते हैं गाइस, बहुत टाइम है अभी, तो थोड़ा पढ़ लेंगे। ये एरिया भी ऐसा था घर से। तो अब कनू के जाने का टाइम आ गया है। बेस्ट ऑफ लक कनू फॉर योर एग्जाम, इस बार फोड़ के आना। फीलिंग कॉन्फिडेंट? फर्स्ट टाइम ही तो है। इस बार फीलिंग कॉन्फिडेंट? जोर से बोलो। 2 घंटे बाद बताऊंगी। मैं एक्सरसाइज कर लूंगा गाइस।
जाओ कनू। तो गाइस अभी हम आए थे चाचा जी के पास उनके प्लांट पे, तो अभी ऑलमोस्ट 5:20 हो गए हैं। अब हम चलते हैं कनू को लेने के लिए। 6 o'clock उसका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, तो 20-25 मिनट यहाँ से पहुँचने की भी लगेगी। तो चलते हैं गाइस कनू को लेने के लिए, होप उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। रास्ता देख के तो ऐसा लग रहा है ये प्लांट का रास्ता है, तो बारिश की वजह से ये ऐसा हो चुका है, तो हमें ध्यान से चलना होगा यहाँ पे गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत स्लश है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं गाइस, अब अच्छा रोड आने वाला है, ये यहाँ पे रहता है। Take the second left. तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे। बहुत उबड़ खाबड़ रोड है। कनू का एग्जाम हो गया फिनिश, हमने कनू को कर लिया पिकअप। कैसा सेंटर था कनू? बकवास। नो एसी फैसिलिटीज, बहुत इतनी गर्मी, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो वॉशरूम। लास्ट एग्जाम तो आप सबको पता है लीक हो गया था, तो कैंसिल हो गया, और इस एग्ज़ाम में बहुत परेशानी हुई सबको, बहुत दूर दूर सेंटर आए, बेसिक फैसिलिटीज थी नहीं। भाई मैं तो यही कहूँगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ जा इंडिया तो बाहर निकल जाओ, आड़े धक्के खाने हैं। कुछ भी बाहर जाओगे बढ़िया हवा मिलेगी, खाना मिलेगा, 2 साल फालतू जियोगे, आड़े तो भीड़ भाड़। ये सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं इस स्केचिंग है। अरे जिगर पेन है सौरव जोशी का, इससे इसके बच्चे होते ही है तो मस्त है ना पेंटिंग्स। योर व्यूज कनु ऑन दिस? गॉड ऑफ डेविल, गॉड ऑफ इविल, ये वाली सबसे ओरिजिनल लगी हुई है ना, ये वाली जहाँ भी जाओ गेम ऑन। जिसको माइनक्राफ्ट देखना पसंद है, थैंक यू।
ठीक है भाई, जीरो